आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। चीन में करीब 15 करोड़ लोग सरकारी पाबंदी में हैं कि वो अपने घरों से कब और कितनी देर में निकले। इसके लिए पहले उनका बॉडी टेम्परेचर चेक होता है, आईडी देखी जाती है और फिर कहीं जाकर कोई अपनी सोसाइटी से बाहर निकल सकता है। इसकी वजह है चीन में फैला कोरोना वायरस। लगातार इससे मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक ये आंकड़ा 2004 हो चुका है। ये 28 देशों में फैल चुका है और चीन में इसके 72,436 मरीज हैं। वहीं चीन में फंसे हिंदुस्तानियों को सही सलामत वापस लाने के लिए मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट चीन भेजा जाएगा। तो आज एक बार फिर बात करेंगे COVID-19 यानी कोरोना वायरस की, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर शमीम अख्तर। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोरोना वायरस से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। साथ ही साथ एक अहम बात ये कि अगर आप खुद कोरोना वायरस की जांच कराते हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डरे नहीं। जिस कोरोना वायरस की जांच आपने कराई है वो आम वायरस है। खतरा उस कोरोना वायरस से है जो अभी चीन में फैला हुआ है। चीन में जो कोरोना वायरस फैला है वो नया वायरस है, इसे COVID-19 नाम दिया गया है। इसकी पहचान दिल्ली में सिर्फ 2 लैब में हो सकती है, एम्स और NCDC लैब में। ऐसे में बिना वजह जांच ना कराएं और अगर जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो डरे रहें। डॉक्टर शमीम अख्तर, जैसे कि आज हम कोरोना वायरस की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये एक आम वायरस की बीमारी है। जिस तरीके से हमें सर्दी जुकाम बुखार उमूमन मौसम बदलने पर हो जाता है, उसी तरीके से ये कोरोना वायरस का भी इन्फेक्शन है जी। जैसे एडिनो वायरस है, RSV वायरस है जो एक उमूमन सर्दी जुकाम बुखार कॉज करता है, ऐसे ही ये कोरोना वायरस भी है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझ लें कि इसकी जो इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ है जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है जी, कि ये एक डेथ सेंटेंस तो नहीं है। तो आप ये समझ लें कि अब तक तकरीबन 6 तरह के कोरोना वायरस की इजाद हुई है, जिसमें से 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो बहुत डेंजरस हैं। अच्छा। जो आपको पता भी होगा 2002 में SARS वायरस आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी चाइना से आया था। उसके बाद 2012-13 में गालिबन MERS MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस जो कि सऊदी अरेबिया में आया था। अच्छा। उमूमन ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब ये जानवरों से फैलता है। तो जानवरों से पहले जानवरों में आता है, लेकिन चूंकि जानवर महदूद रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, तो ये उतना फैलता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जानवरों से इंसान में आता है, तो चूंकि इंसान की जिंदगी लामहदूद है, वो यहां से वहां ट्रैवल करता है, तो वो बीमारियों को बहुत तेजी से, इस बीमारी को बहुत तेजी से ट्रांसमिट करता है। अच्छा। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसमिट करता है। और ट्रांसमिशन का तरीका क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर किसी को खांसी आ रही है, छींक आ रही है, इसीलिए कहते हैं कि हमें कफ एटिकेट्स रखने चाहिए। जैसे ही खांसी हो या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या अपने एल्बो को फ्लेक्स करके अपने मुंह के पास रख लें, ताकि उसके जो कण है, जो उसके इन्फेक्शन इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो दूसरे को इनहेल ना हो। बिल्कुल, और भी इस पर बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम, ये मुझे बताइए कोरोना वायरस आखिर है क्या, वायरस इसकी अलामत क्या है? जी बिल्कुल, इसकी अलामत शुरुआती दिनों में नज़ला, सर में दर्द, बदन में दर्द, बुखार, खांसी, कभी कभी पेट में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी और दस्त, ये अलामत हो सकती है। लेकिन अगर इससे ऊपर बढ़ती है, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द शुरू हो जाए और खांसी में कभी खून आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये सीवियरिटी की तरफ जा रही है और ये सीरियस बीमारी का वो ले रही है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आने लगें तो आप तुरंत डॉक्टर से राब्ता कायम करें। लेकिन इसके लिए आपको जानना जरूरी यह है कि किन लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। बिल्कुल, किन लोगों को हो सकता है, ऐसा नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे कि किन लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा रابطہ नहीं हो पाया। जैसे आपने बताया कि ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों से जानवरों में आता है, तो ये इंसानों तक कैसे पहुंचा, क्या मीडियम रहा कि ये इंसानों तक पहुंच गया? जी, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि एक ये वायरस जो है, इसका दिस इज अ न्यू वायरस जी, नोवेल कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया, जो कि अब इसको COVID-19 के नाम से
जाना जा रहा है जी। ये चाइना की एक एनिमल मार्केट है जहाँ पे वेट एनिमल्स और सी फूड, अच्छा, हुबेई प्रोविंस में वुहान एक शहर है चाइना का, जहाँ पे ये गालिबन ये माना जा रहा है कि ये बैट्स, चमगादड़ और स्नेक्स, सांप, इन दो जानवरों से फैला, ये इंसानों ने कंज्यूम किया है। शायद आपको अंदाजा हो कि चीन के अंदर ये बहुत डेलिकेसियस फूड माने जाते हैं, खासतौर से स्नेक और बैट्स, तो बैट का सूप वहाँ लोग कंज्यूम करते हैं, अच्छा। तो और सांप का भी वो गोश्त वहाँ पे खाया जाता है, तो गालिबन उसी मार्केट से ये किसी इंसान को तकरीबन मिड दिसंबर के आसपास ये शुरू हुआ और जनवरी तक आते आते इतनी तेजी से फैल गया। शुरुआत में तो चाइना को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये किस तरह का इन्फेक्शन है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इसकी जीन मैपिंग की, जेनेटिक टेस्टिंग की, तो ये पता चला कि इसके जो जीन्स हैं इस वायरस के, वो तकरीबन जो बैट में कोरोना वायरस पाया जाता है, अच्छा, और जो स्नेक्स में कोरोना वायरस पाया जाता है उससे काफी कुर्बत, काफी ज्यादा क्लोजनेस, अच्छा। तकरीबन 85% ये बैट के जीन से, बैट के में जो कोरोना वायरस पाया जाता है उसके जीन से, और तकरीबन 92% जो स्नेक में कोरोना वायरस पाया जाता है उसके जीन से इसकी कुर्बत पाई गई। तो गालिबन ये इंटरप्रेट किया साइंटिस्ट ने कि ये चमगादड़ों से और स्नेक से इंसानों में आया, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि या तो स्नेक इसका एक मीडियम हो सकता है या फिर चमगादड़ एक मीडियम हो सकता है। और भी बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल। नाजली बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम जी, तमिलनाडु से जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी फिलहाल में ही हमारे बेटे जॉब करते हैं वहाँ पर एज ए मैनेजर हांगकांग में जी। तो वो अभी कल परसों ही गए हैं जी। तो वहाँ उनको किस चीज का थोड़ा एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि मैं उसको रोकना चाह रही थी लेकिन वो रुके नहीं कि नहीं मम्मी मैं जाऊंगा वहाँ पर अपना, मुझे काम ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ सब चीजों के मुकाबले में। तो आप मेहरबानी करके मुझे बता सकते हैं। वैसे वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है जी। और वो वहाँ पर जिम, मेन चीज ये है वो जिम पर भी जा रहे हैं, टहलने भी, वॉकिंग करने भी जाते हैं। वो ये कहते हैं मैं घर में अगर बंद रहूंगा तो गॉड ना करे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो इस चीज की हैबिटुअल है वो। जी। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या करना है। मैं तो यहाँ पर फिक्रमंद हूँ जी। नहीं, आपको फिक्रमंद होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि हांगकांग में इसके केसेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चाइना और दूसरे नेशंस के, हांगकांग में बहुत कम है। और हांगकांग एक बहुत ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन मुल्क है। दूसरी चीज ये है कि बाहर टहलने से, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के, इंसान के बाहर टहलने से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका डायरेक्टली कोई लेना देना खाने से है। अगर कोई कंटामिनेटेड, जिसमें वायरस का इन्फेक्शन जिस जानवर में है, अगर उस जानवर को वो कंज्यूम करते हैं, खास तौर से अनकुक्ड या पार्टली कुक्ड, अगर पूरी तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि खाने को पूरी तरीके से पका के खाएं, उसको कच्चा ना खाएं और उसका शरबत या उसका सूप ना इस्तेमाल करें जो इस तरह के जानवर हैं, तो इंशाल्लाह ये परेशानी नहीं होगी। और अगर बाय चांस उनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि अगर जुकाम, बुखार, खांसी, बदन में दर्द, पेट में दर्द या लूज मोशन या सांस लेने में दिक्कत, तो आप हर एक मुल्क के अंदर एक फ्री लैंडलाइन नंबर दिया गया है जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर से वो अपनी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी को इन्फॉर्म करें, खुद ना जाएं, और हेल्थ फैसिलिटी से कोई वर्कर, हेल्थ वर्कर उनके घर आएगा और उनका सैंपल लेके जाएगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जी। अच्छा, ये फैलता कैसे है, क्या ये जो वायरस है ये सांस के जरिए अंदर जा रहा है? जी हाँ, देखिए ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई इंसान जो पहले से ही इस बीमारी से ग्रसित है, जिसको ये बीमारी पहले से है, क्योंकि ये एयरवे, हमारे जो एयरवे एपिथेलियल सेल्स हैं, जो हमारी सांस की छोटी नलियां हैं, उसके अंदर ये वायरस जाके बैठ जाता है, अच्छा, और ये खांसने से बहुत तेजी से हजारों लाखों की तादाद में पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो अगर कोई इंसान उसके जज्ब में आ जाता है, ये कहते हैं कि 2 मीटर के दायरे के अंदर अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है और वो उसको सांस की नली से, अच्छा, सांस के द्वारा, सांस के रास्ते से उसको इनहेल करता है और वो वायरस उसके अंदर जाता है और फिर वो मल्टीप्लाई करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है
तो शायद आपको ये इन्फेक्शन या बीमारी ना हो, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा। पर किसी वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे आप कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, एचआईवी एड्स का कोई मरीज है, तो जिन बीमारियों में, या कोई बहुत बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर है, तो जिन लोगों की इम्यून सिस्टम वीक है, अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की खुद की जो कंट्रोल पावर है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें वो वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और फिर वो सिम्टम्स पैदा कर सकता है और बीमारी आगे पैदा कर सकता है। जी, वायरस के बॉडी के अंदर जाने में कितने दिन बाद सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, कितना टाइम लगता है? जी, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि मिनिमम तकरीबन 5 दिन और मैक्सिमम 14 दिन का वक्फा लगता है वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद। जो उसके अलामत, जो उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, वो 5 दिन से लेके 14 दिन के दरमियान शुरू होते हैं। अच्छा। तो अगर आपको ये खदशा है, शक है कि आपका कांटेक्ट किसी ऐसे इंसान से हुआ है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रहा हो, या आप खुद चीन से वापस आए हैं, चाइना से वापस आए हैं, या आप क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं उस मरीज के, या आप हेल्थ वर्कर हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको 5 से 14 दिन का वक्त लगता है इसके लक्षण में, सिम्टम्स में। अगर अच्छा। ऐसा है तो तुरंत आप इसको इन्फॉर्म करें, नोटिस में लाएं हेल्थ फैसिलिटीज की और अपनी जांच कराएं। जी, और भी बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़? जी बताएं, क्या सवाल है? हेलो जी, हमारी छोटी बच्ची है, करीबन 18 साल की है जी, तो उसको छींक आती है, कम से कम 1 साल हो गया, कोई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तब कुछ फर्क नहीं आता है उससे। अच्छा, ये देखिए, जी जी, ये देखिए एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आप किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट, जहां भी आप रहते हो, गालिबन कश्मीर में है या जहां भी है, तो आप एक एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आप कहां से बात कर रहे हैं, श्रीनगर से या हैदराबाद से? लगता है कॉलर अब लाइन पर नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि हमें बच्ची को दर्द है सीने के नीचे थोड़ा सा। जी, सुन रहे हो? हाँ, जी जी। तो इसको हमने डॉक्टर के पास भी लिया, कुछ टेस्ट भी कराए जी, उसने दवाई भी दी, इसको थायराइड की दवाई भी दी और कुछ बोला कि इसको खून की कमी है जी, मगर हमें समझ नहीं आता कि सीने के थोड़ा नीचे ही मैदे में इसको तकलीफ आमतौर होती है, इसको पेन होती है। अच्छा। दवाई से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, देखिए इसके लिए तो आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको चेस्ट में इन्फेक्शन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कुछ मांसपेशियों में कमजोरी हो, तो इसके लिए आप गालिबन डॉक्टर को दिखा के उनसे मशवरा करें। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो हेलो जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, देखिए सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा रब्ता नहीं हो पाया। जैसे आजकल कोरोना की दुनिया भर में बहुत ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि खतरनाक भी है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में भी हैं। तो जैसे आपने मर्स और सार्स का बीच में जिक्र किया था, तो ये जो कोरोना है जिसे COVID-19 कहा जा रहा है, ये कितना खतरनाक है? क्या उनसे ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है? देखिए, जैसा कि ये ट्रांसमिशन का मसला है कि एक से दूसरे में ये बीमारी कितनी तेजी से फैलती है जी, उसको अगर आप उस नजरिए से देखते हैं तो यकीनन ये मर्स और सार्स से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने के अंदर मिलियंस को ये इन्फेक्ट कर चुका है। पूरे दुनिया में लगभग 30-32 मुल्क ममालिक इसके चपेट में आ चुके हैं, और बतौर इसके अगर हम कंपेयर करें सार्स और मर्स, और इसके अलावा इबोला से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली उनकी जो कंटेजियसनेस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। ट्रांसमिशन रेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव पहलू देखें तो बजाय इसके, बनिस्बत इसके कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से हो रहा है जी, लेकिन इसमें मौतें कम हुई हैं, इसकी मॉर्टेलिटी कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस फैलता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन इतना ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं है। इसमें ARDS
और रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े और उसकी मौत हो जाए, उसका रेट तकरीबन 2% है। अच्छा। तो 100 लोग अगर इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 2 ही की मौत होती है, और वो भी उनकी होती है जो बहुत कमजोर या जो इम्यून सिस्टम कमजोर है। जी हाँ। और अगर हम इसको कंपेयर करें इबोला वायरस से, हालांकि वो सिर्फ अफ्रीका में महदूद रहा, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी लगभग 70% थी। सार्स की मोर्टेलिटी लगभग 10-12% थी। अच्छा। मर्स की मोर्टेलिटी भी लगभग 20-22% थी। तो अगर आप मोर्टेलिटी के हिसाब से, मौतों के हिसाब से देखते हैं तो उससे कम खतरनाक है, लेकिन अगर आप फैलाव के हिसाब से और ट्रांसमिशन के हिसाब से देखते हैं तो ऑब्वियसली उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। जी बिल्कुल। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। जैसे कि अभी बताया गया कि चमगादड़ जो है इसकी बुनियाद है, तो क्या जहाँ पर अनकरीब जो कस्बा है वहाँ पर झाड़ पे सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ रहे, तो क्या इससे कुछ इम्कान कुछ हो सकता है या इसका खात्मा किया जाए? और दूसरा मेरा है कि इसमें एहतियात क्या करना चाहिए, मतलब बचाव के लिए हम लोगों को क्या करें कि हम लोग इसमें ऐसा हमको सफाई में या कुछ में ये बताया जाए। दूसरा, इसमें भारत में कोई इम्कान है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं भारतवर्ष में। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि चमगादड़ से ये बीमारी फैली है ये इस बात के बहुत ज़्यादा प्रूफ मिले हैं, लेकिन इससे सारे चमगादड़ों को मार दिया जाए जो आपके इलाके में है ये साबित नहीं करता। अगर आपके इलाके के जो चमगादड़ हैं वहाँ उन चमगादड़ों की मौतें होने लग जाएं, वो आप अपने आप मरने लग जाएं बहुत बड़ी तादाद में, जैसे आपने देखा होगा जब बर्ड फ्लू फैलता है तो मुर्गियाँ मरने लग जाती हैं, उसका रीज़न पता नहीं होता लेकिन मुर्गियाँ मरने लग जाती हैं या उनका कलर चेंज होने लग जाता है। इसी तरीके से अगर आपके इलाके में चमगादड़ों की मौत होने लग जाए तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि शायद वो चमगादड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है और वो चमगादड़ अपने आप उनकी मौतें हो रही हैं, तो ये अलामत है कि शायद चमगादड़ों से वो बाद में इंसानों में भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, चमगादड़ों की मौत नहीं हो रही वहाँ पे, तो बेवजह जानवर को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप इससे सुकून रख सकते हैं कि ये जो बीमारी आई है वो अभी भी चाइना तक ही महदूद है, और ये वही लोग फैला रहे हैं जो चाइना से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। जी, और दूसरा सवाल इनका ये था कि क्या एहतियात बरती जाए। जी हाँ, ये देखिए ऐसा है कि सबसे पहली चीज है कि आपको हैंड हाइजीन बहुत अच्छा रखना है। इसको बोलते हैं गोल्डन मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। WHO ने भी इस पे बहुत ज्यादा ताकीद की है कि आपको अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने हैं, ये तो हमको सबको पता है, लेकिन किस तरीके से धोने हैं और कितनी देर तक धोने हैं। तकरीबन 20 सेकंड तक आपको सोप एंड वाटर से चारों तरफ अपने हाथों को मल के अच्छी तरह से धोना है, और कोशिश ये करें कि अगर आपको ये खदशा है कि इन्फेक्शन है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो खांसते और छींकते वक्त या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें, और या फिर अपने एल्बो को फ्लेक्स करके कोहनी को मोड़ के उसको अपने नाक और मुंह के ऊपर रखें और फिर तब खांसे। और तीसरी चीज़ यह है कि अच्छे से अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, वक्त वक्त पे अपना बुखार चेक करते रहें, टेम्परेचर चेक करते रहें, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि मास्क है, हेड कवर है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर आपके आसपास ये पता है आपको कि यहाँ पे मरीज हो सकता है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड। तो बिल्कुल, और इससे बेहतर एक चीज़ और ये भी हो सकती है कि आजकल मार्केट में तमाम तरह के हैंड सैनिटाइजर मिलते हैं, तो वो अपने पास रख के अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। एक कॉलर हमारे साथ और है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कहते हैं उनको। जी, बहुत सारे लोग नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। कहते हैं कि उससे जो प्रोटेक्शन है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स या हैंड सैनिटाइजर से जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सोप एंड वाटर से भी ज्यादा है। तो जैसे आप किसी भी चीज को हाथ लगा रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो, बाहर जा रहे हो, बसेस में ट्रेवल कर रहे हो, तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। जी मैम, सवाल ये करना था कि ये कितना बड़ा होता है जो बदन में फैल जाता है। अच्छा, देखिए ये वायरस तो कोरोना वायरस कितना बड़ा होता है जो बदन में फैल जाता है। देखिए वायरस तो ये बहुत छोटा होता है, तभी आपके सांस की नली से अंदर चला जाता है। इसका साइज 5 माइक्रोन से कम होता है, इतना छोटा होता है कि आपको दिख नहीं सकता। दिख नहीं सकता, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है,
और ये आपकी सांस के साथ आपकी सांस की नली से होता हुआ ये आपके फेफड़ों में चला जाता है, तो साइज बहुत छोटा होता है जो आपको नजर से नहीं आएगा जी। और जैसे आपने बताया कि जैसे ये इन्होंने साइज पूछा था, आपने बताया कि कितना बड़ा होता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये चला जाता है, उसके बाद ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करता है? ये पहले सांस के रास्ते अंदर जाता है और आपके लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं और जो आपका एपिथीलियम जो लाइनिंग होती है जी, वहां जाके इसको खुराक मिलती है, जो आपका खून होता है वो इसकी खुराक होती है। अच्छा। और इस खुराक के जरिए वो बहुत तेजी से पैदावार बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जितना छोटा जानवर होता है वो उतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है। बिल्कुल। तो ये वायरस एक से हजारों की तादाद में चंद घंटों में और मिलियंस की तादाद में चंद दिनों में पैदा हो जाते हैं, और ये आपके मैक्रोफेजेस एक सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, उन मैक्रोफेजेस को ये खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारी अपनी जो बीमारियों से लड़ने की कुव्वत है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। जिससे हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तेज बुखार, सर में दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर इसको तुरंत कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारी बॉडी में सेप्टिक की तरह, जिसको हम एक लोकल लैंग्वेज में सेप्टिक बोलते हैं, वो सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं जी। और सेप्टिसीमिया से फिर ये ब्लड के रास्ते से, खून के दौरान के रास्ते से ये बाकी आपके ऑर्गन्स में, जैसे किडनी में, लिवर में, हार्ट में, ब्रेन में, तमाम जगह जा करके और ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम नाम की बीमारी, जिसके बाद फिर इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे शुरुआत में आपने इसके जो सिम्टम्स बताए, आपने साथ ही साथ ये भी कहा जो इसके सिम्टम्स हैं वो आम वायरल की ही तरह है, तो फिर इसकी पहचान किस तरह से की जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये कोरोना ही है? जी हाँ, देखिए इसमें आपको एक चीज होती है सस्पेक्ट केस या प्रोबेबल केस हम जिसको बोलते हैं, कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको कितने चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल मौसम है हर किसी को नजला जुकाम गला खराब हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, नहीं। तो इसके लिए WHO ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं सर्वेलेंस के लिए। अच्छा। कि किन लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, तो वो उन्होंने कहा है कि प्रोबेबल केस क्या है, कि अगर कोई किसी इंसान को जुकाम, बुखार, खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये सिम्टम्स उसको लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं और ये नॉर्मल कोर्स में ठीक नहीं हो रहे हैं, और ये मरीज, तीन कैटेगरीज हैं इसकी जी। पहली कैटेगरी ये, नंबर वन, कि वो चाइना या उसके आसपास के इलाके से आया हो। अच्छा। दूसरा, वो हेल्थ वर्कर हो जो कोरोना वायरस बीमारी के इंसानों की, जिनको ये बीमारी है उनकी देखभाल कर रहा हो, दूसरा। और तीसरा, के क्लोज कॉन्टैक्ट में आया हो, अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट चीन से आया है, आपको पता है कि इसको कोरोना वायरस हो सकता है और वो इंसान इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आया हो। हाँ। तो पहला तो खुद चीन से आया हो और उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रहे हो, दूसरा वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहा हो और उसको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हो, तीसरा वो हेल्थ वर्कर हो जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहा हो और उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा। तो ये प्रोबेबल केस बन जाता है कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए, और अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत उसको हेल्थ फैसिलिटी में भेजें, और जैसा आपने पहले जिक्र किया कि NCDC और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में RT-PCR टेस्ट होता है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सबसे पहले ये टेस्ट आया था, वहाँ भी अवेलेबल है जी। बिल्कुल, और भी बात करेंगे कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं और अभी क्या हालात है यहाँ पर, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, पहले सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए जी, बताए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है आपको? मुझे पूछना ये है कि जो है कोरोना वायरस जो है ये किस टाइप की बीमारी है, ऐसा क्यों हो रहा है जी? हालांकि हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वायरस क्या है और कहां से ये वायरस आया है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, हेलो, ये जो वायरस फैलता कैसे है? जी जी जी, ठीक है, ये एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब देते हैं। हेलो,
लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा रابطہ नहीं हो पाया. लगातार हम इस पर बात करें कि ये वायरस क्या है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है दूसरों को, किस तरह से फैलता है. तो एक बार आप और बता दें हमारे व्यूवर्स को, बार बार वो यही जानना चाहते हैं. देखिए, वायरस एक तरह के जरासीम है. जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के जरासीम होते हैं, तो ऐसे ही वायरस भी एक तरह का जरासीम है. अब रही बात ये फैलता कैसे है, मैं पहले भी इसका तस्करा कर चुका हूँ कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ड्रॉपलेट का मतलब आप ये समझ लें कि आपने खांसा या छींका तो कुछ बूंदें हवा में पैदा होती हैं, और उन बूंदों में वो वायरस अंदर होता है जो आपके शरीर से, जो इन्फेक्टेड मरीज है उसके अंदर से वो बूंदें निकलती हैं, और वो बूंदें लगभग 15 मिनट तक एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहती हैं. 15 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं. तो अगर इन 15 मिनट के अंदर कोई इंसान उन बूंदों की चपेट में आता है तो वो सांस के रास्ते से वो उस हेल्दी जो जिसको कोई बीमारी नहीं है उस इंसान के अंदर वो वायरस चला जाता है. और आगे मैंने बताया कि किस तरीके से वायरस मल्टीप्लाई होता है, वो हम पहले भी इस बात का तस्करा कर बिल्कुल. और अब अहम बात ये है कि क्या इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है, अगर बन रही है तो कितना वक्त लगेगा. जी हाँ, ये बहुत बेहतर सवाल है. देखिए, कोई भी एपिडेमिक आता है, जैसे पहले आपको याद होगा कि H1N1 स्वाइन फ्लू और कॉमन फ्लू, स्पैनिश फ्लू, ये सारी बीमारियां पहले आई जिन्होंने, जिसमें लाखों की तादाद में लोग नुकसान हुए, ज़ाया हुए. और इनफैक्ट ये एक बहुत फेमस सेइंग है कि नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर, इट विल डाई बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स. तो जो हमारे लिए सबसे खतरनाक आने वाली चीज़ है वो एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, वो ये माइक्रोब्स की ताकत है. तो इसको कैसे कंटेन किया जाए, पहले तो प्रिकॉशंस मैंने बता दिए. दूसरा है वैक्सीनेशन, कि पहले से हम कुछ ऐसी चीज इजाद कर लें कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो. वैक्सीन क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपको ताकि उस वायरस को न्यूट्रलाइज किया जा सके. तो इस वैक्सीन की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है चाइना में और USA में. जो एक बहुत बड़ी बॉडी है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अटलांटा अमेरिका, और चाइना की भी जो डिजीज़ कंट्रोल की बॉडी है शंघाई में, वो दोनों इस पे मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन इजाद की जाए. उम्मीद ये है कि अगले 6 महीने से 1 साल में तकरीबन इसकी वैक्सीनेशन आ जानी चाहिए. जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि हम लोग इसके लिए कितना तैयार है. वक्त कम है इसलिए छोटा सा आंसर. जी हाँ, बहुत अच्छी बात, आपने प्रिपेयर्डनेस की बात की. बिल्कुल. देखिए, हम एपिडेमिक्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी एपिडेमिक आता है, जब वो महामारी की तरह फैल जाता है, तब हमें और हमारी एजेंसीज को ये समझ में आता है. तो सबसे पहले तो हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रिकॉशंस हैं, यानी अगर ऐसा कुछ हमारे देश में होता है तो अभी हम उतने तैयार नहीं है जितना हमें होना चाहिए. डॉक्टर शमीम अख्तर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. आदाब.